गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम जो है पढ़ रहे थे रसखान। रसखान का जो है मैंने आपको पहला सवैया करवाया था। पहले सवैये में रसखान जो है अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो किसी भी जन्म में रूप लें, वो जो है ब्रज भूमि से जुड़े रहना चाहते हैं। अब हम करेंगे सेकंड सवैया। मैंने आपको बताया था कि जितने भी सवैये हैं इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और इसके साथ साथ जो है आप भक्ति रस कह सकते हो या आप शांत रस कह सकते हो, उसका जो है प्रयोग हुआ है। अगर आपसे छंद पूछा जाए तो सवैया छंद का ही प्रयोग हुआ इसमें। सवैया छंद ये सब पूछा जाता है भाषा शैली में, ठीक है। या कई बार एक नंबर में दे दिया कि किस छंद का प्रयोग हुआ है और आगे कोई एक नंबर का क्वेश्चन जोड़ दिया, इस तरह से पूछा जाता है। तो भाषा पूछी जाए ब्रज भाषा, छंद पूछा जाए सवैया छंद, और अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास का प्रयोग जो है चारों सवैयों में हुआ है, ठीक है। अब हम सेकंड सवैया करते हैं। देखो रसखान जी क्या कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी दारू। या लकुटी, लकुटी का अर्थ है लाठी, लकुटी का अर्थ क्या है लाठी। अरु और अरु का अर्थ क्या है, और कामरिया का अर्थ क्या है कंबल। कंबल पर राज राज्य, तिहु तीनों, पुर लोक, तजी त्यागना, दारो डालना। रसखान जी जो है वो जो है श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोक का जो राज्य है, पाताल लोक, आकाश लोक, धरती लोक, उस तीनों लोक का जो राज्य है वो जो है श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए त्यागने को तैयार है। श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर वो तीनों लोकों के राज्य को त्यागना चाहते हैं, अर्थात उनके लिए जो है श्री कृष्ण की लाठी और कंबल जो है उन तीनों लोक के राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कीमती है। क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण की उस लाठी और कंबल से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, और वो जो है श्री कृष्ण को महसूस करना चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, इसलिए जो है उनके कंबल और लाठी के लिए वो तीनों लोक के राज्य को त्यागने के लिए तैयार है। तीनों लोक कौन से हो गए, पाताल लोक, आकाश लोक और धरती लोक, तीनों लोक का राज्य जो है श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए त्यागने को तैयार है। सेकंड लाइन में कहता है आठों सिद्धि, आठों आठ, आपकी जो सिद्धियां होती हैं वो आठ होती हैं, जो अणिमा है इणिमा है ये आठ सिद्धियां होती है। कहते हैं कि इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद धन की यश की कमी नहीं रहती। नौ निधि, कुबेर की नौ निधियां हैं। किसकी? कुबेर, कुबेर की नौ निधियां, ये आपके बुक में पीछे दिया हुआ है। आठों सिद्धियों के नाम और नौ की नौ निधियों के नाम जो है, निधि होता है खजाना, तो कुबेर के जो खजाना है उसमें आठ तरह का खजाना है वो, तो उसके लिए जो है के सुख नंद की गाय चराई बिसराऊ। तो कहते हैं कि अगर मुझे जो है आठों सिद्धि और कुबेर की नौ निधियां दी जाए तब भी मैं उनको नंद बाबा की गायें चराने के लिए भूलने को तैयार हूँ। बिसराऊ का अर्थ क्या है? भूलना। तो उनके लिए जो है नंद बाबा की गायें चराना इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो है उन सबको त्यागने के लिए तैयार